नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ TVS स्टार सिटी प्लस बाइक का। और यहाँ पर इस बाइक को बोला जाता है माइलेज का बाप। तो गाइस, आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि क्या आपको उस बाइक से माइलेज मिलती है, क्या इस बाइक की टॉप स्पीड है, और इसके अलावा अगर आपको वाली बाइक EMI पर परचेज करनी है तो आपको कितनी इस बाइक की डाउन पेमेंट जो करनी पड़ेगी। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, अगर आप तक इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। तो चले गाइज, अब बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो यहाँ पर बात की जाए इस बाइक की लुक्स के बारे में तो कुछ इस तरह की इस बाइक की लुक्स हैं। यहाँ पर आपको इस बाइक के फ्रंट में LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। और गाइस, यहाँ पर हेडलैम्प के साइड में आपको सिल्वर इंसर्ट भी देखने को मिलते हैं, जिससे इस बाइक की लुक्स काफी ज्यादा बढ़िया उभर के आती है। और इसके अलावा यही सेम सिल्वर एलिमेंट आपको इस बाइक के रेयर व्यू मिरर पे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इस बाइक के रेयर प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक के रेयर में हैलोजन बल्ब टेल लाइट जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर कुछ इस तरह का इस बाइक के टैंक पैनल का डिजाइन है। यहाँ पर आपको इस बाइक के टैंक पैनल पे TVS का 3D लोगो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये जो बाइक है वो मार्केट में 5 कलर में अवेलेबल है। और गाइस, जिस कलर का आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो है ब्लैक और रेड। और गाइस, आपको ये वाला कलर कैसा लग रहा है ये तो आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। तो गाइस, लुक तो आपने इस बाइक की देख ली, तो अब हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको इस बाइक में 109.7 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो देखने को मिल जाता है। और इस इंजन के अंदर आपको इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे इस बाइक की जो थ्रॉटलिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है और आपको काफी अच्छी राइड इस बाइक से देखने को मिलती है। बात की जाए इस बाइक से मिलने वाली पावर के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक से 8.08 bhp की पावर मिलती है। और इसके अलावा आपको इस बाइक से 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आपको इस बाइक में 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। बात की जाए फ्यूल टैंक के बारे में तो यहाँ पर आपको इस बाइक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करूँ इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में तो इस बाइक की 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड है। और यहाँ पर आपको इस बाइक से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर तो गाइस आपको इस बाइक में काफी अच्छी माइलेज देखने को मिल रही है। और गाइस, आप इस माइलेज को कंफर्म करने के लिए यूट्यूब पे इस बाइक के बहुत सारे माइलेज के टेस्ट भी देख सकते हो, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि इस बाइक से आप 80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो आसानी से गेन कर पाओगे। और यहाँ पर बात की जाए इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में तो यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको उस बाइक के रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन जो देखने को मिलने वाला है। बात की जाए ब्रेक के बारे में तो यहाँ पर आपको उस बाइक में फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। और फ्रंट ब्रेक का साइज है 130 mm और रियर ब्रेक का साइज है 110 mm। यहाँ पर आपको उस बाइक में सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम जो देखने को मिल जाता है, जो कि इस बाइक की सेफ्टी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा अगर बात की जाए टायर साइज के बारे में तो यहाँ पर आपको उस बाइक के फ्रंट और रियर में 17 इंच के ट्यूबलेस टायर जो देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, जो भी इस बाइक के डायमेंशन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे होंगे। और अगर बात की जाए कंसोल की तो यहाँ पर आपको उस बाइक में कुछ इस तरह का डिजिटल प्लस एनालॉग कंसोल देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको इस कंसोल में सर्विस रिमाइंडर, इकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर जो वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस, कंसोल तो काफी नॉर्मल साइज बाइक का। और यहाँ पर इस बाइक के हैंडल बार के ऊपर आपको कुछ इस तरह के स्विचेस जो है देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, अगर बात की जाए इस बाइक के प्राइस के बारे में तो इस बाइक का जो एक्सशोरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर वो है 70,200, वो भी ड्रम ब्रेक्स के वेरिएंट का। और अगर आप इस बाइक के अपर वेरिएंट को परचेज करते हो तो उसका आपको एक्सशोरूम प्राइस पड़ता है 73,000 के आसपास का। और यहाँ पर आपको इस बाइक के टॉप मॉडल में फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाली है। बात की जाए इस बाइक के बेस मॉडल के ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको इस बाइक के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस लगभग 85,000 के आसपास का पड़ जाता है। और यहाँ पर अभी इस बाइक में ऑफर चल रहा है कि आप इस बाइक की 15,999 की डाउन पेमेंट कर सकते हैं और आपको मंथली 3100 के आसपास की EMI जो पर मंथ पे करनी पड़ेगी अगले 2 सालों के लिए। तो गाइस, ऑफर तो काफी अच्छा है इस बाइक के ऊपर। और गाइस, अगर आप इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं प्राइस के रिगार्डिंग, अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल को मेंशन कर रहा हूं, तो वहां पर जाके आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इस बाइक का काफी अच्छा प्राइस उनसे ले सकते हो।
आई होप गाइस कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस आप ऐसे और वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।